आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। फरार नगद नारायण सहित 6 पुलिस कर्मियों पर एक दिन में शासन ने इनाम की नगद धनराशि को किया 4 गुना। मनीष गुप्ता हत्याकांड में फरार पूर्व रामगढ़ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह सहित सभी 6 पुलिस कर्मियों के ऊपर शासन ने इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर किया 1,00,000 रुपए। सूचना देने वाले व्यक्ति को 1,00,000 का दिया जाएगा इनाम, सूचना देने वाले के नाम को रखा जाएगा गुप्त। जनपद हुआ कोरोना मुक्त, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा सभी अधिकारियों के सहयोग से जनपद हुआ कोरोना मुक्त। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर नागरिकों का कराया जा रहा है कोविड का टीकाकरण। जनपद के सभी नागरिकों का जल्द होगा टीकाकरण पूरा। जीडीओ उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 1 नवंबर से मंडल में शुरू हो रही धान खरीद की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। धान खरीद के सरकारी समर्थन मूल्य पर किसानों को समय से भुगतान करने के दिए गए कड़े निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्पेशल एजुकेटर्स अकादमी रिसोर्स पर्सन व कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रशिक्षण हुआ संपन्न। दिव्यांग व आउटर्स के छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के दिए निर्देश। एसपीसीटी की अध्यक्षता में रामगढ़ताल थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा अधिकतर मामले आए भूमि विवाद से संबंधित। क्षेत्र के बीट पुलिस अधिकारी व लेखपाल को मौके पर जाकर निस्तारण के दिए गए हैं निर्देश। शनिवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह के नेतृत्व में कान्हा उपवन महमा में चला वृहद सफाई अभियान। नगर आयुक्त ने कहा कुपोषित बच्चों के अभिभावक ले सकते हैं निःशुल्क गाय। शनिवार को सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने गोला सीएससी का किया आकस्मिक निरीक्षण। सफाई व्यवस्था से दिखे असंतुष्ट, जल्द से जल्द सीएससी की सफाई करने के दिए निर्देश। कहा सीएससी के ठीक बगल में पढ़ाई कर रहे बच्चों से मिलकर लगा बहुत अच्छा। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात चौराहे पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान। 181 वाहनों का किया चलान, वसूला 38,900 रुपए का जुर्माना। जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 62 केंद्रों पर 11,971 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 2,604 और सेकेंड डोज लेने वालों में 9,367 लोग रहे शामिल। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा कोविड को हराने के लिए वैक्सीनेशन ही है एकमात्र उपाय। शारदीय नवरात्रि के तृतीया के दिन मां चंद्रघंटा देवी का श्री गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ द्वारा विधि विधान से पूजन हुआ संपन्न। तत्पश्चात आरती एवं प्रसाद का हुआ वितरण। आजादी का अमृत महोत्सव के क्रम में 10 अक्टूबर को आयोजित होगा समाज के वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद कार्यक्रम। आयोजक मंडल ने बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने पर की चर्चा। पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू और कश्मीर में हो रही हिंदुओं के हत्याओं के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला एवं झंडा जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। कहा पाकिस्तान को दिया जाए करारा जवाब। और 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक 31वीं राष्ट्रीय थ्रोबॉल जूनियर बालक और बालिका के चैंपियनशिप का होगा आयोजन। विभिन्न प्रांतों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें करेंगी प्रतिभाग। आयोजन समिति के अध्यक्ष डेविड जॉर्ज ने दी जानकारी।